किंग खान यानी शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में हैं। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आर्यन को एनसीबी के चंगुल से निकालने में उनके वकील सतीश मानशिंदे अपनी जी तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच पता चलता है कि आर्यन खान ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। आर्यन ने कहा कि वह चरस पीते हैं और उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट अपने जूतों में 6 ग्राम चरस छिपा कर लग्जरी क्रूज पर जा रहा था। वहीं ऐसे में आपको बता दें कि ये जानकारी हासिल हुई है कि आर्यन खान को उस जेल में रखा गया है जहां संजय दत्त और अजमल कसाब कई रातें बिता चुके हैं। बता दें कि 8 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने इनकी बेल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्हें आर्थर जेल में लेकर जाया गया था। इनके साथ बाकी के 8 आरोपी भी मौजूद हैं। फिलहाल सभी को बैरक नंबर 1 में 5 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपी जेल के रूल्स फॉलो करेंगे और यहीं का खाना खाएंगे। आर्यन खान मुंबई की सबसे पुरानी जेल में है। बता दें कि आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस जेल में कई बड़े और काफी पुराने कैदी भी बंद हो चुके हैं। साल 1993 में संजय दत्त को बम ब्लास्ट के केस में इसी जेल में बंद किया गया था। इन्हें बैरक नंबर 10 में रखा गया था। यह अंडा सेल के काफी नजदीक था। बता दें कि अंडा सेल में अब्बू जिंदल को रखा गया था। पीटर मुखर्जिया शीना बोरा केस के प्राइम सस्पेक्ट को भी आर्थर जेल में बंद किया गया था और वहीं पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को भी इसी जेल में रखा गया था। यह साल 2008 में मुंबई में हुए अटैक में शामिल थे। कसाब ने करीब 166 लोगों को मारा था, करीब 600 लोग चोटिल हुए थे। कसाब को यारवड़ा सेंट्रल जेल पुणे में नवंबर 2012 में फांसी दे दी गई थी। वहीं अबू सलेम आतंकवादी और क्राइम लीडर को साल 1993 में हुए बम ब्लास्ट के केस में भी इसी जेल में रखा गया था और मुस्तफा डोसा को भी 1993 बम ब्लास्ट केस में एक कन्विक्ट के तौर पर इस जेल में बंद किया गया था। साल 2017 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भी आर्थर जेल में रखा गया था। इसके बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिन पर 70 केस हैं, जिनकी सुनवाई चलती रहती है। वहीं हम लगातार शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।